गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स। मैथ्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 11.2 कंप्लीट की थी। अब हम आगे जो उसका 11.3 से रिलेटेड आपको शेप्स के बारे में गिवन है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। प्लेन शेप्स। अब प्लेन शेप्स क्या होते हैं? नंबर वन पर है आपको सर्कल। अ सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड लाइन। आप ये देख रहे हैं, ये सर्कल यहाँ पर, ये सेंटर यहाँ पर क्या है, ये सेंटर। अब यहाँ से आपको सर्कल आपको इस तरह से बनाना रहता है। द सर्कल हैज नो कॉर्नर। आप देख रहे हैं, यहाँ सर्कल में कोई कॉर्नर्स नहीं है। वर्टेक्स एंड नो साइड्स, और ना ही इसमें कोई साइड्स होती है। देयर इज ए पॉइंट इन साइड द सर्कल फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वल। अब आप देख रहे हैं, यहाँ से हम सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके जो ये सब तरफ से क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। सर्कल में दिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। उस जो आपको जो ये पॉइंट गिवन था वो क्या होता है, उसका सेंटर मतलब मध्य। कॉइन बेंगल एक्सेट्रा आर सर्क्यूलर इन शेप। आपने देखा होगा कॉइन मतलब जो सिक्के होते हैं वो सर्कल में होते हैं, बेंगल्स है ना, ये इस तरह से जो गोल शेप वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्कल, है ना। अब नंबर टू है आपका ट्राइंगल। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें थ्री लाइन्स से कवर होता है वो, है ना। तो ये क्या है आपका ट्राइंगल, जिसमें थ्री लाइन्स होती है। द ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, इसमें थ्री साइड्स से आपको, एंड कॉर्नर वर्टेक्स, इसमें कॉर्नर होते हैं मतलब ये कोने, है ना। द साइड्स में ऑन में नॉट बी इक्वल इन लेंथ। द सर्फेस ऑफ सैंडविच इज ट्रेंगुलर इन शेप। आपने देखा होगा सैंडविच को वो किसे कौन से शेप में होता है, ट्रेंगुलर शेप में होता है। अब आपका थर्ड नंबर पर है रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटर बाउंडेड बाय टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब आपने देखा होगा रेक्टेंगल में जो आमने सामने वाली जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ना। इसकी जो लेंथ होती है ये बड़ी होती है, इधर से ये लेंथ छोटी होती है, तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर वर्टेक्स। अब आपने देखा होगा इसमें फोर कॉर्नर्स होते हैं और फोर क्या होते हैं, इसमें यहाँ पर ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अब आप द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। द सर्फेस ऑफ ए ब्रिक बुक एक्सेट्रा आर ऑल रेक्टेंगल इन शेप। अब आपने देखा होगा अपोजिट साइड्स मतलब जो आमने सामने वाली जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, इक्वल, और इधर से ये। अब आपने देखा होगा ब्रिक मतलब जो ईटे हैं, बुक्स किताबें, ये कौन से शेप में होती है, किस आकार में होती है, रेक्टेंगल शेप में। अब आपको रिमेम्बर क्या याद क्या रखना है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। फोर लाइन सेगमेंट जिसमें फोर लाइन्स दी हुई है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटर। अब नंबर फोर है शेप। अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर में अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जिसमें फोर लाइन्स मतलब चारों लाइन क्या होती है, बराबर होती है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर, है ना। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। इनकी जो स्क्वायर में जो सारी लाइन्स है वो क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। द शेप ऑफ हैंडकरचीफ एंड डाई इज स्क्वायर। अब आपने देखा होगा हैंडकरचीफ मतलब रुमाल और डाई, वो जो खेलने का डाइज होता है ना, वो कौन से शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। अब बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.3। अब आपको यहाँ पे नंबर वन, राइट टी हैज ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ए पर है अ सर्कल हैज अ सेंटर पॉइंट, सर्कल में सेंटर पॉइंट होता है, ट्रू। अ स्क्वायर इज लाइक अ सर्कल, जो स्क्वायर होता है वो गोला होता है क्या, तो ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये होगा फॉल्स। अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर, ट्रू। डी है द सेंटर ऑफ अ सर्कल कैन बी आउटसाइड द सर्कल, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल साइड्स ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स आर इक्वल, किसमें सारी लाइन्स बराबर होती है, तो वो होता है स्क्वायर में। अ सर्कल हैज नो साइड, सर्कल में कोई साइड नहीं होती है, एंड नो वर्टेक्स, और इसमें ना ही कोई वर्टेक्स होते हैं। अब डी है आपका ए रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टेक्स। अ ट्रेंगल हैज, अभी आपको मैंने समझाया था ट्रेंगल में कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेक्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
थ्री वाला दिया हुआ है, व्हाट शेप डू दिस हैव, फेस ऑफ एन एनवेलप, एनवेलप किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, फेस ऑफ डाई, अभी आपने पढ़ा था डाई जो होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर, फेस ऑफ ए बर्थडे केप, बर्थडे केप किस शेप, फेस की होती है कोन, है ना, उसमें कोन जैसी होती है, फेस ऑफ हैंडकरचीफ, रूमाल कैसा होता है हमारा, स्क्वायर, फेस ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स किस शेप में होता है, रेक्टेंगल, फेस ऑफ फुल मून, पूरा जो चांद होता है वो किस में होता है, वो सर्कल शेप में होता है। अब नंबर फोर है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड काउंट द नंबर ऑफ अ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल इन इच केस। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर वन, ये टू, इधर ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। और इस वाले में आप देखिए यहाँ नंबर डाल रखे हैं मैंने, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन यहाँ पर आपको ट्रायंगल है। अब आपको यहाँ पर रेक्टेंगल्स कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर, और अब इसमें आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा, ये वन, ये टू, ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आपको यहाँ पर सेवन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और इसमें रेक्टेंगल था। तो ओके बच्चों, अब आपकी ये जो एक्सरसाइज नंबर 11.3 है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.4 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जो हमें एक्सप्लेन जो यहाँ पर बुक में किया गया है इनके बारे में पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स फेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सरफेस यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉलिड शेप्स, जो सॉलिड मतलब जो हार्ड होते हैं ना, सॉलिड मतलब उनके जो फेसेस को क्या, उसको क्या कहते हैं हम, सॉलिड शेप को फेस, है ना। द लाइन वेयर टू फेस, जहां पर दो लाइंस मतलब दो फेस दिखते हैं मीट इज कॉल्ड एन एज, उन्हें क्या कहा जाता है, एज। द पॉइंट वेयर थ्री एज मीट इज कॉल्ड अ कॉर्नर और वर्टेक्स, क्या बनाते हैं वो मिलकर के, कॉर्नर्स मतलब ये कोने है ना आपको, किनारे और वर्टेक्स। अब क्यूब, सबसे पहले यहाँ पर क्यूब गिवन है हमें, अ क्यूब है सिक्स फेस, अब आप यहाँ देख रहे हैं क्यूब में कितने फेस हैं, यहाँ पर इसके सिक्स, एट कॉर्नर्स और एट तो इसके कॉर्नर्स हैं, एंड ट्वेल्व एज आर, यहाँ पर ऑल द फेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर एंड आर ऑफ सेम साइज, सेम साइज मतलब सबकी जो साइज है वो क्या है, इक्वल है, इट्स ऑल एज आर इक्वल इन लेंथ, और ये सभी इनकी जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। अब है आपका कबॉइड है, अ कबॉइड है सिक्स रेक्टेंगल फ्लैट फेस, सिक्स यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, अब यहाँ पर कबॉइड में आप देख रहे हैं अ कबॉइड है सिक्स रेक्टेंगल फ्लैट फेस, यहाँ पर फ्लैट फेसेस आपको दिए हुए, एट कॉर्नर्स है और ट्वेल्व एज मतलब किनारे हैं इनके, इट्स ऑल फेस आर प्लेन्स एंड ऑल द एज आर स्ट्रेट बट नॉट इक्वल, ये सब स्ट्रेट मतलब सीधे तो है लेकिन ये सब इक्वल नहीं है, जैसे इसमें थे दिख रहे हैं ना आपको, बट नो इक्वल, लेकिन ये बराबर नहीं है, इट्स अपोजिट फेस आर ऑफ सेम साइज, अपोजिट मतलब जैसे अभी आपने जो रेक्टेंगल में देखा था ऐसे ही कबॉइड में है आपका, कि ये जो आमने सामने वाले जो लाइन्स है ये इक्वल है और ये जो आइट साइड की जो लाइन्स है ये इक्वल है, ये सब पूरे स्क्वायर शेप में नहीं है, तो ये क्या होता है, कबॉइड होता है। अब है आपका सिलेंडर, अ सिलेंडर हैज टू कर्व्ड एज वेयर द प्लेन एंड द कर्व्ड फेस मीट, इट हैज टू फ्लैट फेस आई सॉरी वन कर्व्ड फेस एंड नो कॉर्नर, अब आप देख रहे हैं सिलेंडर में टू, ये देखो ये टू कर्व्ड फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं प्लेन्स है ना, और इट हैज टू फ्लैट फेस है इसमें, वन कर्व्ड फेस एंड नो कॉर्नर, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब है स्पेयर, स्पेयर हैज ए वन कर्व्ड फेस, इट हैज नो एज एंड नो वर्टेक्स, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कर्व्ड ए फेस, ये यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर कितना फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वन है ना, और इसमें नो वर्टेक्स, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई किनारा नहीं है। अब कौन, कौन में क्या होता है, अ कौन हैज वन फ्लैट प्लेन फेस एंड आई एंड वन कर्व्ड फेस, इट हैज वन कर्व्ड एज एंड
वन कॉर्नर वर्टेक्स एज। अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कोन में क्या है, आप यहाँ पर ये देखिए, ये कोन जैसा है, यहाँ पर ये कॉर्नर है और ये कर्व्ड फेस है और ये प्लेन फेस है। इसमें इट्स कॉर्नर इज कॉल्ड एपेक्स, इसके कॉर्नर को हम क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। अब हम अपनी 11.4 स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर व्हेन वी ट्रेस द फ्लैट फेस ऑफ अ सिलेंडर और कोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर वी गेट द शेप ऑफ अ स्पेयर। अब आपने व्हेन वी ट्रेस, ट्रेस मतलब जब हम बनाते हैं किसी सिलेंडर कोन है ना, अ पीस ऑफ पेपर किसी भी पेपर के टुकड़े से, तो वी गेट द शेप ऑफ ए स्पेयर, तब हम प्राप्त करेंगे उसका शेप स्पेयर का, तब हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से बन रहा है। अब एक्सरसाइज 11.4, हाउ मेनी फेस कॉर्नर एंड एज डू द फॉलोइंग शेप्स है। अब आपको जैसे आपने यहाँ पर अभी इसमें मैंने समझाया था, तो आपको पता करना है। अब क्यूब, क्यूब में फेस कितने होते हैं, क्यूब के फेसेस हैं 6 और कॉर्नर कितने होते हैं 8 और एज होते हैं 12। अब बी पर है कबोइड, फेसेस कबोइड के फेसेस कितने होते हैं 6, कॉर्नर है 8 और एज कितने हैं 12। अब सिलेंडर, सिलेंडर में फेस होते हैं 2, कॉर्नर्स होते हैं 9, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता और एज कितने होते हैं 2। अब डी पर है कोन, कोन यहाँ पर कोन में कितने फेस होते हैं 1, कॉर्नर भी 1 और एज भी 1। अब ई वाला है स्पेयर, फेस कितने होते हैं 1, कॉर्नर 9 और एज 9। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पर देखिए आप, ये कोन आपको जो आइसक्रीम दिख रही है इसका शेप क्या है, कोन वाला शेप है। अब ये आपको बुक, बुक किस शेप में है ये देखिए, यहाँ पर ये लाइंस बड़ी है और यहाँ पर ये वाली जो दिखाई दे रही है आमने सामने की लाइंस इक्वल होती है ना, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो कौन सा शेप होता है, सर्कल। अभी आपको क्या है, ये आपको बॉल दी हुई है, तो बॉल तो सर्कल होती है और ये सिलेंडर है, सिलेंडर आप देख रहे हैं है ना ये, और यहाँ पर ये क्या है स्पेयर, यहाँ पर जिसमें हवा भर सकते हैं हम है ना, तो ये कौन सा शेप है, स्पेयर। तो अब बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।